चलिए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 और ये आया है क्लास टेस्ट 3 में। ओके, तो साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 साल में 956 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, देखिए 800 रुपये है और 3 साल में हो जाते हैं कितने, 956। ठीक है, टाइम कितना है, 3 ईयर है। ओके, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष में 800 रुपये की कितनी राशि हो जाएगी। ठीक है, अगर ब्याज की जो दर है आपकी 4% से बढ़ा दी जाती है तो राशि कितनी हो जाती है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे दिमाग लगाइए कि अगर दर आपकी बढ़ा दी जाए, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दर कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, और दर भी नहीं कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, अगर इसका 4% हम निकाल लेते हैं और 3 साल के लिए मतलब 12% हम निकाल लेते हैं और फिर 956 में जोड़ देते हैं तो शायद आपका आंसर आ जाएगा। ओके, वही तो होगी ना फाइनल राशि। ठीक है, तो इसका सबसे पहले 12% निकालेंगे, कितना आएगा, 12 * 100, 12 * 96 होता है। ठीक है, तो इसमें एक बार 96 जोड़िए तो 1052 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो आ चुका है। ठीक है, तो कैसे आया है वो एक बार हम दोबारा से समझते हैं। सी आंसर इसका राइट हो गया। ठीक है, देखिए एक साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि है कितनी, 800 रुपये है। ओके, और 3 साल में ये कितनी हो जाती है, 956 रुपये हो जाती है। ठीक है, 956 रुपये हो जाती है। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, ओके, तो 3 वर्ष में 800 रुपये की कितनी राशि हो जाएगी। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए पहले कोई ब्याज की दर है 10%। ओके, ठीक है, 10% है ना। अब 1 साल का ब्याज हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 100 रुपये है और इसकी 10% क्या है, इसकी वार्षिक दर है। ओके, तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, बोलिए, 10% बढ़ जाएगी ना। 10% कितना होता है, 100 का 10 होता है, तो ये अमाउंट हो जाएगी 110। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि 10% इसको बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि दर हमने 10% बढ़ाया तो दर कितनी कर ली हमने, 20%। ठीक है, और इसका 20% कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 120 आएगी। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर 10% बढ़ाइए तो जो बढ़ाया है वो निकाल के इसमें जोड़ दो, बराबर ही बात है। ठीक है, तो देखिए 10% कितना होता है, 10 होता है, 110 में 10 जोड़ते तो 120 आता है ना। तो यही कहानी हमने यहाँ पे की है। ठीक है, तो इसको आप अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमारी ब्याज की नहीं प्रतिशत की क्लास जरूर देखिए। ठीक है, उसमें हमने डिटेल से ऐसी बातें समझा रखी है। ओके, तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, आप में और अन्य बच्चों में यही अंतर होगा कि आप एक तरीके से सवाल को करना सीख जाओगे, यहाँ पे आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और आप देखिए आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है ना, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ओके, इसमें मैंने 3 मिनट इसीलिए दे रखा था कि कुछ बच्चों से अगर ना हो तो ठीक है ना। अगर आप 3 मिनट की बजाय आप इसको कर रहे हैं 1 मिनट में, ठीक है, तब आपको आपका जो जो आपका दिमाग है वो अच्छा है। ठीक है, यानी कि आप सिलेक्शन की रेंज में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब आप सिलेक्शन की रेंज में है, श्योर है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाता है, 15 हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 16। ओके, तो ओके दोस्तों, थैंक यू।